जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मालदीव्स को लेकर पिछले कुछ समय से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के कई सारे पड़ोसी देशों में भी बातचीत चल रही है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, श्रीलंका। पाकिस्तान जो कि खुद एक भिखारी देश बनकर बैठा हुआ है, वो भी मालदीव्स की मदद करने के लिए आतुर है। लेकिन बात यह है कि जब तक आप खुद की मदद खुद नहीं करोगे, तब तक कोई कितनी ही आपकी मदद कर ले, आपका उत्थान हो नहीं सकता। और ऐसा ही कुछ इस समय मालदीव्स के साथ भी हो रहा है। भीख के पैसे के ऊपर आखिर आप कब तक ही पल सकते हैं, ये बात हमको माननी पड़ेगी। और जब से भारतीयों ने मालदीव्स ना जाने का फैसला किया है, तब से जिस तरीके की अर्थव्यवस्था के ऊपर चोट मालदीव्स को पड़ी है, उससे उबरने में इनको थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ही। और ऐसा नहीं है कि भारतीयों ने पूरी तरीके से जाना बंद कर दिया है, लेकिन हाँ, एक भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा है जो कि अब मालदीव जाने के बजाय दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के तीन मंत्रियों ने काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां करी थी, जिसके बाद में उनको उनके पद से हाथ धोना पड़ गया था। मालदीव के बिगड़ते रवैये को देखते हुए भारतीय पर्यटकों ने वहां जाना कम कर दिया है, जिसके बाद वहां का पर्यटन और इस पर आधारित अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ा रही। अब मालदीव में ही पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग मांग कर रहे हैं कि भारत के साथ संबंधों को जल्द सुधारा जाए, क्योंकि उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। मतलब कि जो संबंध है, जो बिगड़ते हुए संबंध है, उसका सीधा असर अब मालदीव के लोगों की जेब के ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है। मालदीव के पर्यटन विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2023 में 17 लाख टूरिस्ट ने मालदीव का दौरा किया था, जिसमें से करीब करीब 2,09,000 भारतीय थे। अब इसके बाद रूस का नंबर आता है, वहां से भी लगभग लगभग इतने ही लोग आए थे, और चीन के करीब 1,80,000 के लोग आए थे। इस तरह 2022 में करीब 2.5 लाख भारतीय और 2021 में करीब 2 लाख भारतीय पर्यटक जो है वो मालदीव पहुंचे थे। कोरोना महामारी के दौरान मालदीव में पर्यटन खुला हुआ था और 63,000 भारतीय उस समय भी वहां पहुंचे थे, जिनमें कई सारे सेलिब्रिटीज भी शामिल थे। वहीं 2024 में अब तो ऐसा लगता है सब कुछ बदल गया है। वहां पर्यटकों के आगमन के मामले में भारतीय अब पहले नंबर से गिरकर सीधे छठे नंबर पर पहुंच गए, जबकि 2020 से पहले तक सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही वहां पर जाते थे। 2 मार्च 2024 तक के आंकड़ों को देखें तो 27,224 भारतीय इस साल पिछले साल के मुकाबले में, जो कि 33% कम है, मालदीव पहुंचे हैं। 2023 में इसी ड्यूरेशन तक करीब 41,000 इंडियन टूरिस्ट मालदीव पहुंच चुके थे। वहां की मीडिया भी कह रही है कि गर्मियों में भारतीय पर्यटकों के कारण ही उनका जो टूरिज्म है वो चलता है। जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी माने तो मालदीव को $2 बिलियन के तक का नुकसान होने का एक मोटा मोटा अनुमान है। ट्रेवल एजेंसियों और भारतीय पर्यटकों पर आधारित ऑपरेटरों के राजस्व में 80% तक की कमी आ गई। मालदीव की मीडिया खुद कह रही है कि अहंकार से मालदीव का फायदा नहीं होने वाला है और देश की संवेदनशील अर्थव्यवस्था को इससे उल्टा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। आगे इससे बचने की सलाह दी जा रही है। केरल और मालदीव के बीच सीधी उड़ान फिर से शुरू करने की कंडीशन में थोड़ी सी उम्मीद जताई जा रही है कि इससे कंडीशन थोड़ी सुधरेगी, बट स्टिल इन अ ब्रॉडर सिनेरियो मालदीव की हालत इस समय तो खराब है। धीरे धीरे अगर चीजें सुधर गई तो शायद इंडिया के लोग एक बार फिर से मालदीव जाना शुरू कर देंगे, बट फिलहाल के लिए तो मालदीव की हालत खस्ता हो गई।